बी रेडी। 5 सेकंड्स, स्टार्ट। ऑनरेबल मेंबर्स, आई लाइक टू गिव मैक्सिमम क्रेडिट टू दी स्मॉल फार्मर्स ऑफ द कंट्री फॉर दिस कंसिस्टेंट सक्सेस एंड स्ट्रेंथनिंग द एग्रीकल्चर सेक्टर। इंटरेस्ट्स ऑफ द स्मॉल फार्मर्स हु कॉन्स्टिट्यूट 80% ऑफ द फार्मर कम्युनिटी हैव ऑलवेज बीन सेंट्रल टू अवर गवर्नमेंट। अंडर द पीएम किसान सम्मान निधि ₹1,80,000 crore हैव बीन प्रोवाइडेड टू मोर देन 11 crore फार्मर फैमिलीज। विद दिस इन्वेस्टमेंट द एग्रीकल्चर सेक्टर इज विटनेसिंग मेजर ट्रांसफॉर्मेशन टूडे। द स्मॉल फार्मर्स ऑफ द कंट्री हैव ऑल्सो बेनिफिटेड फ्रॉम द न्यू चेंजेस इन द क्रॉप इंश्योरेंस स्कीम। मोर देन ₹1,00,000 crore हैव बीन गिवन एज कंपनसेशन टू अबाउट 8 crore फार्मर्स सिंस दीज चेंजेस वर इंट्रोड्यूस्ड। गवर्नमेंट इज ऑल्सो मेकिंग इन्वेस्टमेंट्स एट एन अनप्रेसिडेंटेड लेवल फॉर डेवलपिंग इंफ्रास्ट्रक्चर रिक्वायर्ड नियर फार्मलैंड्स। थाउजेंड्स ऑफ प्रोजेक्ट्स हैव बीन अप्रूव्ड अंडर द एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड हैविंग ए कॉर्पस ऑफ ₹1,00,000 crore। इन ऑर्डर टू एंश्योर सेल्फ सफिशेंसी इन एडिबल ऑयल माई गवर्नमेंट हैज ऑल्सो लॉन्च्ड द नेशनल मिशन ऑन एडिबल ऑयल्स ऑयल पाम विद एन आउटले ऑफ ₹11,000 crore। गवर्नमेंट इज ऑल्सो मेकिंग स्पेशल एफर्ट्स लाइक ऑर्गेनिक फार्मिंग नेचुरल फार्मिंग एंड क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन। ऑल ऑफ यू आर अवेयर दैट द यूनाइटेड नेशंस हैज डिक्लेयर्ड 2023 एज द इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स। माई गवर्नमेंट विल सेलिब्रेट द इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स ऑन ए लार्ज स्केल विद फार्मर्स सेल्फ हेल्प ग्रुप्स FPOs फूड इंडस्ट्री एंड द कॉमन सिटीजन। माई गवर्नमेंट इज ऑल्सो वर्किंग सिंसियरली फॉर रेन वाटर कंजर्वेशन। स्पेशल कैंपेन्स आर बींग इम्प्लीमेंटेड फॉर क्रिएशन ऑफ रेन वाटर हार्वेस्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर एंड रिस्टोरेशन ऑफ ट्रेडिशनल वाटर सोर्सेस इन द कंट्री। 64 lakh hectares ऑफ लैंड विद इरीगेशन फैसिलिटीज हैज ऑल्सो बीन डेवलप्ड इन द कंट्री विद द हेल्प ऑफ वेरियस प्रोजेक्ट्स अंडर द प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना एंड अटल भूजल योजना। द गवर्नमेंट हैज ऑल्सो टेकन फॉरवर्ड द प्लान्स फॉर इंटरलिंकिंग ऑफ रिवर्स। रिसेंटली द केन बेटवा लिंक प्रोजेक्ट टू बी कंप्लीटेड एट ए कॉस्ट ऑफ ₹45,000 crore हैज ऑल्सो बीन अप्रूव्ड। दिस प्रोजेक्ट विल बी हेल्पफुल इन एंडिंग द वाटर क्राइसिस इन बुंदेलखंड। वुमेन आर प्लेइंग एन इंक्रीजिंगली इम्पॉर्टेंट रोल इन प्रोवाइडिंग इम्पीटस टू रूरल इकोनॉमी। बैंक्स हैव एक्सटेंडेड फाइनेंशियल हेल्प टू द ट्यून ऑफ ₹65,000 crore टू मोर देन 20 lakh सेल्फ हेल्प ग्रुप्स इन 2021-22। This is 4 times the amount extended earlier. Women's empowerment is one of the top priorities of my government. We are all witness to the success of Ujjwala Yojana. Entrepreneurship and skills of the mothers and sisters of our country have been promoted through the Mudra scheme. बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ इनिशिएटिव
has yielded many positive results, and there has been an encouraging improvement in the number of girls enrolled in schools. Treating sons and daughters as equals, my government has also introduced a bill to increase the minimum age of marriage for women from 18 years to 21 years at par with men. The government has made a beginning to liberate the society from the manifestly arbitrary practice of triple talaq by making it a criminal offense. Restrictions on Muslim women from performing the Hajj only with mahram have also been removed. While about 3 crore students from minority communities were provided scholarships prior to 2014, my government has provided scholarships to 4.5 crore such students since 2014. This has led to a significant reduction in the school dropout rate of Muslim girls and an increase in their enrollment. A provision has also been made for gender inclusion fund in the national education policy to promote learning capability among our daughters. It is a matter of happiness that all the existing 33 Sainik schools have started admitting girl students. The government has also approved the admission of women cadets in the National Defence Academy. The first batch of women cadets will enter the NDA in June 2022. With the policy decisions and encouragement of my government, the number of women personnel in various police forces has more than doubled as compared to 2014. My government is implementing a new national education policy across the country to give shape to the resolve and potential of Atmanirbhar Bharat. Local languages are also being promoted through the national education policy. Emphasis is being laid on conducting important entrance examinations for undergraduate courses in Indian languages as well. This year, 19 engineering colleges in 10 states will start teaching in 6 Indian languages. Under the Skill India mission, more than 2 crore 25 lakh youth across the country have been skilled through IITs, Jan Shiksha Sansthans and Pradhan Mantri Kaushal Kendras. Many changes have also been made in the UGC regulations to link skills with higher education. In the battle against Corona, 6 special training programs related to healthcare have been launched under the Skill India mission. These are helping the healthcare sector. Eklavya residential model schools are being expanded to every tribal majority block for the education.